नमस्कार, आप देख रहे हैं मोबाइल न्यूज 24। मैं हूं नुपुर सिंह और वक्त हो गया है दिन भर की बड़ी खबरों का। श्रीलंका के ब्लॉक मार्केट में 30,000 रुपए लीटर बिक रहा है पेट्रोल और डीजल, हालात बद से बदतर हुए। यूपी में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के ड्रीम प्रोजेक्ट बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे का लोकार्पण प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जालौन के कठरी टोल प्लाजा पर आयोजित कार्यक्रम में किया। यह एक्सप्रेसवे चित्रकूट से इटावा तक 296 किलोमीटर लंबा है और 14,850 करोड़ की लागत से तैयार हुआ है। कर्नाटक हाई कोर्ट ने मंगलुरु में एक मस्जिद का सर्वेक्षण करने के लिए एक आयुक्त की नियुक्ति की मांग वाली याचिका को खारिज कर दिया है। असम में भीषण बाढ़ के बाद अब राज्य में एक और बीमारी जापानी इंसेफेलाइटिस का प्रकोप देखा जा रहा है, जहां जापानी इंसेफेलाइटिस ने अप्रैल 2022 से अब तक 23 लोगों की जान ले ली है। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने संसद का मानसून सत्र शुरू होने से 2 दिन पहले आज सर्वदलीय बैठक, इसमें कई राजनीतिक दलों के शीर्ष नेताओं ने भाग लिया। भाजपा ने कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी पर बड़ा आरोप लगाते हुए कहा, पीएम मोदी को बदनाम करने के लिए अपनी तिजोरी से तिस्ता सितलवार को पैसे दिए। उपराष्ट्रपति वेंकैया नायडू ने आगाह करते हुए कहा कि कुछ लोग विभाजनकारी एजेंडा के तहत देश की शांति को नुकसान पहुंचाना चाहते हैं। बिहार के पश्चिमी चंपारण से बैंक ऑफ बड़ौदा से 15 लाख की लूट की घटना हुई है, जिसके बाद पुलिस मौके पर पहुंचकर तहकीकात कर रही है। दिल्ली एनसीआर में बदला मौसम का मिजाज, जहां आज कई इलाकों में झमाझम बारिश हुई। पंजाब के पटियाला जेल में बंद नवजोत सिंह सिद्धू को जेल में उठने बैठने में दिक्कत आ रही है, इसके बाद डॉक्टरों की टीम ने जाकर स्वास्थ्य की जांच की। झारखंड के सीएम हेमंत सोरेन ने झारखंड के 11,406 युवाओं को नौकरी संबंधित नियुक्ति पत्र वितरित किया, जहां ढोल नगाड़े के बीच मुख्यमंत्री की इस पहल का स्वागत किया गया। छत्तीसगढ़ में भारी बारिश के कारण कई जिलों में बाढ़ जैसे हालात हो गए, वहीं कई इलाकों में संपर्क टूट गया है और नदियां खतरे के निशान से ऊपर बह रही हैं। मध्य प्रदेश के नगरीय निकाय चुनाव के प्रथम चरण की मतगणना कल होगी। वहीं पूर्व सीएम कमलनाथ भोपाल में बनाए गए विशेष सुना कंट्रोल रूम में बैठकर पूरे प्रदेश की मतगणना पर नजर रखेंगे, साथ ही जहां कहीं भी गड़बड़ की सूचना मिली तो तुरंत हेलीकॉप्टर से पहुंचेंगे। जम्मू के पुंछ नियंत्रण रेखा पर पाकिस्तान ड्रोन ने किया घुसपैठ का प्रयास, वहीं भारतीय जवानों की गोलीबारी के बाद वापस लौटा। महाराष्ट्र के 2 शहर औरंगाबाद और उस्मानाबाद के नाम बदलने की कवायद पुरानी ठाकरे सरकार ने शुरू की थी, जिस पर आज शिंदे सरकार की कैबिनेट ने मुहर लगा दी है। डायबिटीज के मरीजों के लिए केला खाना बहुत ही फायदेमंद होता है, इससे बहुत ही आसानी से ब्लड शुगर को कंट्रोल किया जा सकता है। DRDO, DAST और ADA में साइंटिस्ट के पदों पर भर्ती निकाली है। आवेदन के इच्छुक व योग्य उम्मीदवार आधिकारिक वेबसाइट rac.gov.in के माध्यम से 29 जुलाई तक आवेदन कर सकते हैं। तो ये थी दिन भर की बड़ी खबरें। ऐसे ही तमाम खबरों से अपडेट रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, ताकि आप और आपके जानने वाले रह सके देश और दुनिया की तमाम खबरों से अपडेट।